गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 77 केंद्रों पर 19,592 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 16,590 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,002 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, एम्स मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर क्लब सहित 77 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर बिल्कुल ना जाएं, कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में कोरोना वैक्सीनेशन का 77 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है और हमारा लक्ष्य जो है 10,000 से ऊपर का लक्ष्य है। वैक्सीनेशन अच्छी तरह से चल रहा है, हमें पब्लिक से अपील है कि भीड़ भाड़ न करें, वैक्सीनेशन सबका होना है। जब आए सेंटर पर देखें कि वैक्सीन भीड़ ज़्यादा है तो उस दिन अपने को लाइन में खड़े होने से अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग ऑनलाइन पोर्टल पर इंटर करा करके आएँ, रजिस्ट्रेशन करा के आएँ, जिससे कि यहाँ आपका समय भी बचेगा और हमारे स्टाफ की भी सहायता हो जाएगी और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा, भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी। तो सभी लोग अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएँ। हमें सबको वैक्सीन लगानी है और अपनी बारी का इंतजार करें। सब सर, जनपद में अभी तक कितने वैक्सीन हुए? जनपद में अभी हमारे ज़िले में 15 एक्टिव केसेस हैं, सभी स्वस्थ हैं। आज अभी कोई भी भर्ती नहीं है किसी अस्पताल में, बिहारी मेडिकल कॉलेज में भी हमारे ज़िले का कोई भी पेशेंट भर्ती नहीं है और सभी 15 के 15 अपने घर पर हैं और स्वस्थ हैं, उनको दवाइयाँ पहुँचा दी गई हैं और वो लोग ठीक हैं।